अब वो सब छोड़ो। रिया पहले ये बताओ कि हम तीनों में से तुमने सबसे पहले किसको देखा? तुम तीनों को? क्यों? अरे तीनों को नहीं, सबसे पहले किसको देखा? अरे मुझे देखा मैं। अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मुझे देखा ना उसने, सबसे पहले मुझे देखा। ये सैम की आवाज को क्या हो गया? राज इतनी सुबह सुबह यहाँ पे क्या कर रहा है? वो क्या है ना, मैं और हानी सुबह सुबह वॉक पे जा रहे हैं ना हानी। जल्दी चलो वरना आफ्टरनून हो जाएगी। हाँ गाइस मेरा वो हेडफोन पास करो ना। अब मैं दिखा ना? हाँ अरे जल्दी देना भाई, लेट होगा। कम हानी, लेट्स गो। सी यू गाइस। हानी हानी बनी शेटी जी। जी ओके। यार सैम तू सुबह सुबह शर्मा क्यों रही है? सुबह सुबह आपको देख लिया ना। हाय आपको देख लिया है? तू ठीक है ना? अरे आपको देख के तो बीमार ठीक हो जाए, मैं तो फिर अच्छी भली हूँ। हे सैम तेरे को शर्म आनी चाहिए, तू पागल पागल हो गई है क्या? हाँ आपके प्यार में। हाय यार कहीं गलती से मैंने वो पुड़िया इस पे तो नहीं फूंक दी, और सुबह सबसे पहले इसने मेरे को देख लिया। नहीं भगवान, नहीं नहीं भगवान, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं भगवान, नहीं 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 मम्मी, नहीं मम्मी। आपके प्यार में बीमार सन्या, अपनी तो बैंड बज गई लेकिन इसका तो टक 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 टक। अरे लेकिन तूने उसमें विभूति डाली क्यों रे पगले? अरे यार तुझे कितनी बार बोल चुका हूँ, देख मैं रूम में गया, वहाँ पे दो बेड थे, एक तरफ ग्लव्स एक तरफ बुक, तो मैंने सोचा रिया वाला बेड बुक्स वाला होगा। अरे यही तो तूने गलती कर दी, क्योंकि उस दिन जब मैं गया ना तब मुझे पता चला कि बुक जो है ना वो सैम के साइड पे। हाँ। इसका मतलब ये कि ये गया विभूति रिया पे डालने, लेकिन डाल दी सैम पे, और इसकी किस्मत इतनी खराब है कि सैम ने सबसे पहले इसको ही देखा। लेकिन सन्या कुछ भी कहा, जेडी साहब के पसंद मस्त है, अब घुंघरू बजेंगे। हंस लो जितना हंसना है, हंस लो तुम लोग, जेडी साहब ना अपनी जान दे देंगे, फिर रोना तुम लोग, जान दे दूंगा मैं। तो किसने कहा था मेरे साथ बेईमानी करने को? ईमानदारी तो तूने भी हमारे साथ नहीं किया, तूने पेंसिल दिखा के क्या बोला था एकजुट रहना है, लेकिन अकेला गया ना तू रिया को पटाने। तेरे बजरंग बली ने ना तुझे सजा दी है, तू पापी है पापी। हाँ पापी तो तुम लोग भी हो, इसके लिए सजा तुमको भी मिली है। देख रंजन मैं तेरे को बोल रहा हूँ, अगर सैम मेरे पीछे पड़ गई ना वो जबान, तू अपनी जान ले लेगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। ए भाई ऐसा कुछ मत कर, मैं कुछ करता हूँ करता हूँ। तू कुछ कर हाँ, वरना मैं तेरे साथ बहुत कुछ कर दूंगा। हाँ क्या बात कर रहा है। थैंक यू, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर मी। कुछ तो बोलो ना। तुम्हें कभी किसी ने कहा है कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं? सच? और कुछ बोलूं? तुम्हारी ये जुल्फें, मन करता है कि क्या? No. अरे हंस क्यों रहे हो, बोलो ना मेरी जुल्फें क्या? I'm sorry but मैंने ये कभी भी ट्राई नहीं किया। ओके I'll say it again। क्या? तुम्हारी ये जुल्फें, मन करता है कि इनमें खो जाऊं। तो खो जाऊं ना।
रिया तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो रिया, मैंने आज तक ये बातें किसी को नहीं कही हैं और ना ही मुझे लगता है कि इस अंदाज में किसी और को कह पाऊंगा। So when I say it, I really mean it. Thank you. तुम बैठो ना, खड़ी क्यों? नहीं, बैठो ना। नहीं, मैं खड़ी रहती हूँ ना ऐसे। तुम कॉफी पियो ना। ये राज ने पहली नाक में दम करके रखा था, अब ये विभूति ने तो हमारी हालत खराब कर दी है। ये सारी गलती ना रंजन की है, मनुष कहीं का। तू क्या कर रहा है? चुप रहा, खड़ा हो जा। मैं करती हूँ। यार मेरे से देखा नहीं जा रहा, सोच रहा हूँ कि सही सोच रहा है, तुझे नेत्रदान करना चाहिए, नेत्रदान सर्वश्रेष्ठ। अबे पहाड़ी नेवले, तेरे दांत खींच लूंगा मैं। तुझे क्या बोल रहा है यार? सही बोल रहा है पहाड़ी नेवले, तुम लोग आपस में लड़के मर जाना। अरे कुछ ऐसा सोचो ताकि इस राज का पत्ता काट सके। क्या है भाभी जी, कहाँ है? मुझे क्या मालूम, मनमीत को पूछ। ओए तुम लोगों का मतलब भाभी जी कहाँ है? अरे नहीं नहीं मनमीत, हम लोग सुरलीन भाभी की बात नहीं कर रहे, हम लोग तो सैम भाभी की बात कर रहे हैं। तेरी नजर बाहर खींच लूंगा मैं, चाहे ऐसे। जेडी मर गया। जेडी मरे आपके दुश्मन? ऐसे नहीं कहते। क्या कर रही है? हाँ तेरे गले में खराश है क्या? नहीं कुछ कुछ हो रहा है। अब नहीं, वो आपने कहा ना। आपने? देख सैम, ज्यादा आप मत कर। बहुत बढ़िया। ए गुंगरू, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अब नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि आज ना मैं आपके लिए आपकी फेवरेट भिंडी लाई हूँ, तो लंच ना साथ में करें। तुझे किसने बोला मेरे को भिंडी पसंद है? आई हेट भिंडी। कोई बात नहीं, मैं दाल भी लाई हूँ, दाल मखनी। आप दाल मखनी खा लेना और लंच ना फिर साथ में करें। छोड़ मुझे यार, तू क्या कर रही है? अरे जेडी, इतनी संस्कारी भाभी मिली, तुझे शर्म आनी चाहिए यार। देख सनी, तू ज्यादा मत बोला, मैं तेरा लास्ट वाला संस्कार कर दूंगा, जा यहां से। अरे नहीं नहीं, इसमें पैर छूने की क्या जरूरत है, मैं तो तुमसे बहुत छोटा हूँ। अरे वो अपना ड्रेस ठीक कर रही है पटेल जी। ओके ओके, लेकिन सैम एक बात बताऊं, तुम्हें इस रूप में देखने के लिए मेरी आंखें बहुत तरस रही थी। अरे यार वाह क्या बात है, काश तुम मेरे घर की बहू होती। मतलब क्या कमी है मेरे बेटों में कि तुमने इस छछुंदर को चुना। लंच करने चले जेडी जी। भाभी जी जाइए ना पीछे, फॉलो हिम। अरे जाइए जाइए। सो रिया माय डार्लिंग, राज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अंकल उसे हाँ करने के तो 100 रीजन है और ना करने का तो कोई रीजन ही नहीं है। अच्छा, That means तुम शादी के लिए रेडी हो? सारी तैयारियां शुरू कर दूं? अंकिल,
तुम इस लाइन पे क्या कर रहे हो? उस सनी जेडी रंजन को अंदर भेजो फौरन। Oh, my three musketeers. Dur. Away from the team. Okay, sir, आपने बुलाया? बिल्कुल, मैंने इसीलिए बुलाया क्योंकि मैं रिया की शादी के बारे में तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ। हाँ? धनुर्धारियों, जो भी इनकी आंख में खुली आंख में सबसे पहले निशाना लगाएगा, राजकुमारी रिया उसके गले में वरमाला डालेगी। बॉस, अब हम क्या कह सकते हैं? आप ही डिसाइड कर लो कि रिया को हम तीनों में से किससे शादी करनी चाहिए। उल्लू के पट्टो, रिया की शादी राज से होगी। क्या? हाँ, और मैंने तुम लोगों को इसीलिए यहां बुलाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि शादी के अरेंजमेंट्स तुम लोग संभालो। सो लेट्स स्टार्ट विद यू सनी, खाने पीने के अरेंजमेंट संभालोगे, ओके? जेडी, तुम साउंड म्यूजिक वीडियोग्राफी संभालोगे, ओके? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम मेहमानों को संभालोगे। ख्याल रखोगे कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि अगर उन्हें तकलीफ हुई तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। नहीं सर, ये नहीं हो सकता सर, प्लीज नहीं। क्या नहीं हो सकता? ये शादी। चलो चलो, देखो, कमान, गेट आउट। गो। आई एम गोइंग टू बी वेरी बिजी, यू सी। मैं राज को शॉपिंग ले जाऊंगा और फिर एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने आप के लिए एक जोधपुरी खरीद लूँ। जोधपुरी में मैं कैसे लगूंगा? मुच्ची है नहीं, पता नहीं क्या सला रहे हैं। कुछ कहा आपने? नहीं कहा मैंने। तो गो। जा रहा हूँ। अब तक तुम्हें हमारी बात तो समझ आ ही गई होगी राज, अब समझदारी इसी में है कि तुम वापस यूएस चले जाओ, वरना। वरना क्या? वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुम सपने में भी सोच नहीं सकते। सोच लो, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं यहां से रिया से शादी किए बगैर वापस नहीं जाने वाला। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या करोगे? तुमको जो करना है करो, ये सब मेरे ऊपर नहीं चलने वाला। मैं रिया से शादी कर रहा हूँ और ये फाइनल है, बस। तो फिर ठीक है, आज तक तुमने हमारी सिर्फ शरारत देखी थी, शराफत देखी थी, लेकिन अब तुम क्या देखना? कम ऑन। क्या तुमको हेल्प चाहिए? अटक गया हूँ, जरा देखो, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था, आपने तो Just watch it. ये क्या कर रहा है तू? सोच रहा हूँ यार, डीप थॉट। एक ही रास्ता है उसे रास्ते पे लाने का। कौन सा रास्ता? यही कि उसे रास्ते पे लाना पड़ेगा। कैसे कैसे? एक आइडिया है मेरे पास। बोलना। समझो कि ये रास्ता है, ये राज है और ये हम है गाड़ी में,
जैसे ही वो रास्ते से जा रहा होगा हम उसे गाड़ी से उड़ा देंगे। What a bright idea! गाड़ी कैसे लाएंगे? बताइए। अरे हाँ गाड़ी तो है नहीं, फिर छोड़ो ये रास्ता गलत है। मेरे पास एक रास्ता है। क्या क्या? इधर आ इधर। हाँ। मेरी बात मानो, हम राज को ना गुंडों से पिटवा देते हैं। ए, नहीं नहीं ऐसा गलत काम नहीं करेंगे यार, उस बेचारे को चोट लग जाएगी। नहीं अरे रंजन कुछ नहीं होगा। सनी तू मुन्ना भाई को जानता है? नहीं। शकील भाई को? नहीं। असगर भाई को? नहीं। मैं कोई रास्ता नहीं जानता। हट। एक आइडिया है मेरे पास। कैसा? बता बता, बता। अब हम वो वाला हथियार अपनाएंगे जो कई साल से लोगों के घर को तोड़ता हुआ आया है। कौन सा? अरे सिंपल है, भारतीय नारी अपनी जिंदगी में कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने होने वाली पति की जिंदगी में एक और नारी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, you mean jealousy? Yes. लेकिन मैं अब तक नहीं समझा यार। अरे यार तुझे याद है एक बार तुझे बदनाम करने के लिए हम एक खूबसूरत लड़की लेकर आए थे? वो कैसे भूल सकता हूँ कमीनो। आज भी उस पल को याद करके निन्न मेरी चीखें उड़ जाती है। तो ठीक है, डिसाइड हो गया, आज भी हम वही पैतरा अपनाएंगे और राज नाम के कांटे को निकाल फेंकेंगे। अभी उस लड़की को कॉल करता हूँ। हेलो। कहाँ जा रहा? और तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर हैं किसी को भी दीवाना बना दें। और तुम्हारी जुल्फ है, जी चाहता है नक हो जाऊं। और ये लाइंस मैंने आज से पहले किसी को नहीं कही। यू लायर, यू चीट, ये तुम्हारी असलियत? वो देख झगड़ा, अपना काम है बनता, दहाड़ में जाए जनता। करेक्ट। मैं तुम्हें बताने वाला था कि क्या बताने वाले थे? कि मैं शिखा से प्यार करता हूँ। तो मेरे साथ तुम नाटक कर रहे थे? रिया, डोंट टच मी। रिया, दैट वाज जस्ट अट्रैक्शन, मुझे पसंद हो और उसके आगे कुछ नहीं। यू नो व्हाट, जस्ट गो टू हेल। अरे यार ये छुप जाओ। हमसे टकराने का नतीजा। आराम से देखा ना नतीजा। आ गई ना अक्ल ठिकाने पे? अक्ल होगी तो आएगी ना। फोन बजा उसका। एक मिनट। हाँ हेलो। सॉरी मैं आ नहीं पाई, मैं अपने दोस्त को अभी भेजती हूँ। क्या भेज रही हूँ? मतलब मैं बाद में कॉल करता हूँ। एक्सक्यूज मी, आप कौन है? वो मेरे साथ है। क्या? ये आपके साथ कैसे? क्योंकि ये सब मैंने जानबूझ के किया है। कल तुम तीनों के घर आया था तुमसे मिलने। यार रिया हमको छोड़ के चली जाएगी ना, उसके बिना ऑफिस कितना सूना सूना सा हो जाएगा, मेरा दिल नहीं लगेगा। हाँ यार मैं तो ऑफिस छोड़ के चला जाऊंगा अगर रिया जी चली जाएगी तो। हाँ रंजन तू सही कह रहे है, रिया के जाने के बाद ना मैं भी यहाँ पे जॉब नहीं करूँगा। लेकिन पता है मुझे एक बात नहीं समझ में आती यार, ये राज हमारी दोस्ती के बीच में क्यों, कैसे और कब आया यार? छोड़ो यार ये सब, मैं तो ऊपर वाले से यही प्रे करता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं और रिया हमारे साथ ही रहे। ये सब देखने के बाद मैं तुम सबकी दोस्ती के बीच में नहीं आना चाहता था। राजा भाऊ हमने आपको बहुत खराब डूड समझा, आप तो बहुत अच्छे डूड निकले यार। सॉरी यार। हाँ राज गलती हुई हमसे, हमने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हो सके तो माफ कर देना। सॉरी यार। ओह यू गाइस आर सो क्यूट। वैसे तुम लोगों की जगह मैं भी होता तो यही करता, लेकिन ये सब मैंने सिर्फ तुम तीनों के लिए नहीं किया है, मेरी रिया के लिए भी किया। मेरी? बताता हूँ,
मैंने रिया को इसके पापा से बात करते हुए सुना। हाँ पापा, पापा आई नो राज बहुत ही अच्छा लड़का है, पर मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। मैं इंडिया आई थी ये सोच के कि मैं कुछ कर सकूं, मेरे और आपके सपने पूरे कर सकूं। पर पापा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपने अधूरे ही रह जाएंगे। पापा आप समझ नहीं रहे हो। मैं नहीं चाहता था कि रिया के सपने अधूरे रहें, ना ही मैं उसके सपने तोड़ना चाहता था, ना ही तुम लोगों की दोस्ती, इसलिए मैंने ये सब प्लान किया। आज इट्स ओके, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। इवन आई एम सॉरी। एनीवेज अबीब, फिलहाल तो मैं यूएस जा रहा हूँ, लेकिन तुम जल्दी से अपना सपना पूरा करो और फिर मुझे हाँ बोलो। ड्रॉप नहीं करोगी? टाइम हो गया ना? मैं टैक्सी बुलाता हूँ। हाँ, सामान में भर दूंगा। लंबा बहुत है। थैंक यू शिखा। थैंक यू शिखा। अब चले। वापस मत आना। ये दोस्तों, मैं तो पहले ही बोल रहा था ना कि ये राज अच्छा लड़का है। चलो शुक्र है, बला टली। अरे क्या बला टली, वो राज कभी भी वापस आ सकता है, सुना नहीं क्या? अरे सनी, अभी के छुटकारा मिल गया ना, वो बहुत है। जेडी जी, आज शाम को मूवी देखने चले? यार कोई मुझे इससे छुटकारा दिलाओ प्लीज। ए, पकड़ इसको। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.